उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के गदनखेड़ा मोहल्ला के रहने वाले युवक का मंगलवार देर रात पत्नी से आपसी विवाद हो गया। तभी झुल्लाए पति ने पत्नी के गले पर चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घायल पत्नी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की सूचना मिलते ही एएसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के गदनखेड़ा मोहल्ला के रहने वाले अमित कुमार श्रीवास्तव उर्फ पिंटू लाला मंगलवार शाम घर पर मौजूद था। इसी दरमियान अमित की पत्नी रजनी श्रीवास्तव से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान ही पति पत्नी में गाली गलौज शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि अमित ने घर में रखे चाकू से पत्नी रजनी के गले पर हमला कर उसे घायल कर दिया। महिला के चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने घर पहुंचकर देखा तो वह खून से लथपथ थी। लोगों ने घटना की जानकारी सदर कोतवाली पुलिस को दी। घटना की जानकारी होने पर इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार मिश्र माय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायल पत्नी को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने रजनी को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि 12 वर्ष पहले शादी हुई थी। मृतक रजनी अपने पीछे 8 वर्षीय बेटा छोड़ गई है। पुलिस ने आरोपी पति अमित कुमार श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घटना की बारीकी से जांच की है। उन्होंने कहा कि पंचायत नामा कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। नाजायज संबंध का मामला था और वही वीडियो कॉलिंग पे बात करते हुए ये देख लिया इसका पति। हाँ। तो उसी में इनका जो भी मामला हुआ हो, अभी यहाँ पे बयान कोतवाल साहब के सामने यही कर रहा था, तब हम लोग भी ये बात समझे। अच्छा। कि ऐसी ऐसी बात बता रहा, अब हमें क्या मालूम ये क्या है क्या नहीं। आते थे, रहते थे, खाते थे, हम अपने रूम में हम चले जाते थे। ये तो माता जी के। अच्छा, पति ने पकड़ लिया होगा उसको। पति को पुलिस ने यहां नहीं, जो अवैध संबंध थे, पति ने कॉलिंग पे बात, हाँ, वीडियो कॉलिंग बात करते, हाँ, पकड़ लिया, पति ने देख लिया। अच्छा, उसको पकड़ लिया। तो उसी में जो भी इनका मामला यहीं पे अभी कोतवाल साहब सामने जब बयान कर रहा था, तब हमने ये बात समझी। आज दिनांक 16/7/2024 को समय करीब रात 9:30 बजे थाना कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत गदनखेड़ा में पति पत्नी में आपसी विवाद के चलते पति द्वारा अपनी पत्नी को चाकू मारकर घायल कर देने की सूचना पर थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल महिला रजनी श्रीवास्तव पत्नी अमित कुमार उर्फ पिंटू लाला उम्र करीब 36 वर्ष को तत्काल जिला अस्पताल उन्नाव ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी पति अमित कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय लल्लन श्रीवास्तव उम्र करीब 38 वर्ष को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।